शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगह जहां मैं शो करता हूं वो नहीं है, ये वो उधर है, लेकिन विस्थापितों की भीड़ में मैं भी शामिल हूं। इधर से शो कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घूमता ही रहता हूं, आज इधर कर रहा हूं कल वहां, हफ्ते भर बाद कहां पे किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का टूर होना है, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनका, जो बार बार रोज रोज आते हैं शो में उनका, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहमान पहुंच चुके हैं, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ, तो हल्ला मचाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी, ये वो शो नहीं है। मैं, जो लोग नए आए हैं यहाँ, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, जिन्होंने भैया जी कहीं में बोलना है, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा। जो मेहमान यहां पे मौजूद है मैं उनसे बात भी करूंगा। ये बात सच है कि मौसम बदल चुका है, खुशगवार है, इसलिए भीड़ भी ज्यादा है। कहां से आना हुआ आपका जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां से आई हैं? सर, मैं हौसखास से आई हूं। हौसखास से, तो आज के नॉट प्लेस में कैसे आना हुआ? बस दिल किया थोड़ा सा आउटिंग करें, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई। बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो दिल करता है ना, यही बस बड़ी बात है। मौसम को देख के थोड़ा मौसम अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बजने दो, अच्छा है, सब चलने दो। ना, ठीक है, मैं बात करूँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश से फतेहपुर से आया हूँ। फतेहपुर कानपुर के बगल वाला, कानपुर इलाहाबाद के बीच में, लेकिन मैं नाराज हूँ। किससे? भैया जी से। देखो, नाराजगी वाली बात है तो जरूर सुननी चाहिए, कि अगर कोई बाहर से आया है और नाराजगी लेके आया तो जरूर सुनना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है पहले बताइए? मैं इशरत खान हूँ। इशरत खान साहब बोलिए, नाराजगी क्यों है मुझसे? हाँ, नाराजगी इसलिए प्रतीक त्रिवेदी से है, भैया जी से है, कि भैया जी लखनऊ जाते हैं, भैया जी इलाहाबाद जाते हैं, भैया जी प्रतापगढ़ जाते हैं, भैया जी बाना जाते हैं, भैया जी फतेहपुर क्यों नहीं आते? भैया जी इशाक भाई, इशाक ना, इशरत भाई ने कहा कि आप इलाहाबाद जाते हैं, ये काम थोड़ा पहले कर लिया करो, पानी वानी बांटने का, लोग प्यासे खड़े रहते हैं, हैं? जब मैं पहुंचूं तभी सब शुरू होगा क्या? पहले पानी बांटो सारे लोगों को। इशरत भाई ने कहा कि इलाहाबाद जाते हैं आप, प्रयागराज जिसका नाम हो गया, आना है, अंदर आना है, अंदर में है तो बाहर कैसे हैं? हैं? समय पे नहीं आएंगे तो यही होगा, जनता ही पीछे कर देगी आपको, अब क्या करेंगे आप? अब वहीं खड़े खड़े देखिए, मजा लीजिए वहीं से, ठीक है? मैं ईश्वर भाई सुनूंगा आपसे। तो कहने लगे कि इलाहाबाद जाते हैं, कानपुर जाते हैं, लेकिन आप फतेहपुर नहीं आते। फतेहपुर आना होगा मेरा,
और जरूर आएंगे। इशरत भाई आपसे कहता हूँ, आपका शेर भी सुनूंगा मैं और आपकी बातचीत भी होगी जरूर। सच तो ये कि मन तो मेरा ये करता कि हर जगह पहुंच जाऊं, हर जगह जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे? यकीन मानिए कि पूरे देश में जाना चाहता हूं, घूमता ही रहा इशरत भाई, घूमता ही रहा। 17-18 बरस हो गए घूमते ही घूमते। ये पहली मर्तबा है कि जो पिछले 3-4 महीने से मैं एक जगह रुक गया, वरना तो फिर घूमता ही घूमता बीतता था। मैं आपकी मोहब्बत, अरे शिकायत बहुत, प्रतीक त्रिवेदी की शिकायत कर रहा हूँ कि प्रतीक त्रिवेदी तो मैं फतेहपुर में मुलाकात नहीं कर पाए। मैं फतेहपुर से कानपुर वो दिल्ली आया हूँ, कार पहले आज स्पेशल इसलिए आया हूँ कि मैं बाइक चलती है यहाँ। हाँ। मैं बाइक से आया हूँ। मैं जरूर आपके फतेहपुर आऊंगा, मौका लगा तो लोकसभा का चुनाव जरूर वहां पहुंचे। आ जाइए अंदर, आ जाइए। अब कैसे करेंगे, झुक के ही आना पड़ेगा। आइए बैठिए, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय तारुफ करा देता हूं। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे और हमारे ऑटो वाले नवल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं या आप ही लोगों से बातचीत करूं, जैसा आप बताएंगे मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जी आइए स्वाति जी आइए। आइए जी, कहां से आना हुआ आपका? सिराथू विधानसभा, उत्तर प्रदेश सिराथू विधानसभा। मैं पूछा तो आपसे नहीं था, हमने पूछा तो मैंने इनसे था, आप आए हैं, पति हैं। हाँ, अरे एक बात जान लो, 33-20 दिन हो गया है मामला, तो वही जवाब देंगे अब ये नहीं चलेगा मामला। लेकिन आप दोनों का प्यार, आप दोनों की मोहब्बत ऐसे ही बनती रहे, उसमें सुर्खी यूं ही दिखाई दे, ईश्वर करे आप दोनों लोग बहुत आनंद हो जीवन में। जी क्या नाम है आपका? कनक। नाम है कनक है, बताइए साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेक्स्ट है उनका नाम नहीं लिया जी, जो है उनका नाम नहीं लिया आपने? उनका नाम नहीं लिया मैंने। किन का नाम नहीं लिया? जो चमक वाले नेता जी, उनका नाम नहीं लिया, बगल में बैठे, कोई बात नहीं। फजील साहब आ जाए सर, जल्दी आया करिए, टाइम से आया करिए। ये नहीं कि वो खाला का घर है, जब मन हो तब आए खाला के घर में, टाइम से आया करिए। और नहीं टाइम से आएंगे तो फिर मैं अगली बार नाम भी नहीं बुलाऊंगा किसी का, और सारी जनता अंदर होगी, ये सब बाहर होंगे, पक्का ये हो जाए, एक दिन यही होने वाला है पक्का, 100% किसी दिन भी हो जाएगा, ये सब बाहर आप सब अंदर, और बढ़िया जबरदस्त बहस होगी। जरूरत नहीं इशरत भाई हमें बिल्कुल, वो तो बस हम इसलिए बैठाए कि बैठाए रहे अच्छा लगता है, बाकी जरूरत हमें उनकी नहीं है। अरे जनता बेकार, हम बेकार ढक्कन है, जनता के बगैर तो हम सिर्फ डब्बा है खाली, जनता नहीं तो बेकार है। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार से। अच्छा कैसे आना हुआ? मैं आपका प्रोग्राम लाइव देखता हूँ। हाँ। 2-3 बार से मन कर रहा है कि डायरेक्ट देखूं तो। अच्छा अच्छा, आज आपकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। चेहरे पे कभी कभी बहुत सफाई से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े भोलेपन से लिखा होता है कि प्रतीक पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, और कभी कभी मैं नहीं पहचान पाता। मालूम है क्या लिखा था इनके चेहरे पे? कि एक बार नजदीक से प्रोग्राम देखने को मिल जाए, यही था बस, और कुछ नहीं। अंदर आइए आप और वहां जाके बैठिए, वहां से आनंद लीजिए, जाइए, ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही ताकत देते हैं, आप ही पेट्रोल डालते हैं इस प्रोग्राम में, और आप ही दूर रहेंगे, बैठिए वहीं पे आराम से, जम जाइए। और ऐसे ही एक बार किसी ने, अल्लाह ने चाहा, मैं कौन होता हूं, अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने किसी को कहा वहां जाके जम जाइए, वो इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने किसी से कहा कि जाइए बैठ जाइए, वो बैठ गए जाके, अब ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, नेता हो गए, तो अब पता नहीं किसको क्या है, कहां से है। बहरहाल एक मध्य प्रदेश ने, कांग्रेस ने कुछ बातें कही हैं,
मैं सिलसिलेवार तो नहीं पूरा पढ़ पाऊंगा, लेकिन दो चार बातें। 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ करेंगे सत्ता में अगर आए, कांग्रेस कहती है। कांग्रेस कहती है महिलाओं को 1500 रुपए वजीफा दिया जाएगा, 1500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। कांग्रेस कहती है कि वो जो बालक होते हैं ना, वो जो पढ़ने जाते हैं 1 से 8 तक के जाएंगे, उनको मिलेंगे 500 रुपए। पढ़ने जाएंगे इसलिए 500 रुपए, 9 से 10 में 1000, और जो 11वीं 12वीं में पहुंच जाएगा उसको 1500 रुपए मिलेंगे, कांग्रेस ने इस बार कहा है। पढ़ने के बाद कुछ नहीं देंगे, ना 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 ना, कहा है उन्होंने, तो झूठ नहीं बोलूंगा मैं। उन्होंने कहा कि आप ग्रेजुएट हो गए लेकिन बेरोजगार रहे, तो कांग्रेस कहती है 3000 रुपया देंगे। गजब है भाई, ये 3000 रुपया मिलेगा। रुको, मैं आ रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो 3000 रुपए मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मिल रहा है कम से कम ग्रेजुएट, कहीं पकौड़ा तो नहीं तलेगा। क्या नाम है भैया? बैठो, हमारे और जनता के बीच में तुम आ गए अगर किसी दिन भी, तो बाहर हो, एकदम फट से बाहर हो जाओगे। क्या नाम है भैया? सुना, मेरा निशांत कुमार सिंह पड़ेगा। निशांत कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? काशी के रहने वाला हूँ, और संक्षिप्त परिचय, मेरा छात्रसंघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, उदय प्रताप चौथ छात्र सिंह। बहुत बड़ा कॉलेज है, उदय प्रताप सिंह कॉलेज में है, लेकिन मैं आपकी जो गरिमा है वो 3000 की नहीं मानता, मैं 30 लाख की मानता हूँ। आपको महीने में 30 लाख मिलने चाहिए, लेकिन ठीक है, ये कांग्रेस के वादे हैं, आपकी अपनी बात है, वो भी माथे शर्माते हैं, आपकी भी बात। बीजेपी से शुरू करता हूँ, वक्त कम है, बोलचाल की बातचीत शुरू होती है, जिसको बोलना है, जिसको हाथ उठाना हाथ उठाएगा, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। 1 2 3 जी, बीजेपी। देखिए प्रतीक जी, ये वचन नहीं प्रवचन है, जिस पर भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपने ही नेताओं के कपड़े फाड़ते हुए कमलनाथ, जो कह रहे हैं कि कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह के, कपड़े फाड़ो उनके पुत्र के, तो जनता उनको पहचान रही है कि वो जब अपने ही नेताओं के कपड़े फाड़े। मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी जब कांग्रेस ने वहां सरकार छोड़ा, 23,100 करोड़ का बजट था, आज 3,14,000 करोड़ का बजट है। मध्य प्रदेश जो कांग्रेस ने छोड़ा तो 1200 करोड़ का हेल्थ का बजट था, आज 28,000 करोड़ का है। वहां SC ST OBC का 1326 करोड़ का बजट था, 56,000 करोड़ का बजट है। तो जिस ढंग से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, विकास की गंगा बह रही है नित्य निरंतर, उस तरह से मध्य प्रदेश की जनता हमेशा कांग्रेस को नकारी है, और भाजपा के साथ जिस दिन से उन लोगों ने कमल को स्वीकार किया, उस दिन से मध्य प्रदेश में समृद्धि आई, और कमल की वजह से ही कमलनाथ का वजूद है। धनंजय जी, मैं रुक गया ज्यादा देर आपके पास, मुझे मालूम है क्या, मैं बात तो सुन रहा था आपकी, लेकिन मुझे एक डिस्टर्बेंस हो रहा था बार बार, और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप थोड़ा कम करवा दें, उसका आवाज कम करवा सकते हैं तो करवा दें, पर 1 घंटे का मामला है, थोड़ा सा कम करवा दें। आप कम करवा सकते हैं आवाज थोड़ी सी है, ना ना राजनीता करिए, उनको कम करवा सकते हैं। अच्छा, प्लीज कम करवा दीजिए, थोड़ी सी आवाज कम करवा दीजिए, तो मैं प्रोग्राम कर लूंगा उसके बाद है। तो आप जाके कहिए उसको, आप जाके कह सकते हैं जी। धनंजय, आप जरा कहिए तो आवाज थोड़ा कम होगी तो मुझे बातचीत करने में आसान होगा, वरना मुझे डिफिकल्टी हो रही है। तो मैं टहलना नहीं है, उसको कम करवाना है जी। देखिए, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमला पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि कर्नाटक में हमने जो वादे किए, जब सरकार बनी तो सूरज ढलने से पहले किसानों का कर्ज माफ किया। हिमाचल में हमने जो है सूरज ढलने से पहले अपने वादे पूरे किए। हमने जो है राजस्थान में वो सूरज ढलने से पहले वादे पूरे किए। और क्या हमने जो है मेडिकल फैसिलिटीज जनता को दी है कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, जहां तमाम हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमने जो है जनता को किए वायदे और जो वचन दिए थे उनको पूरा करने का काम किया। जी 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 जी, धन्यवाद प्रतीक जी। मैं पूरी कर लूंगा, मैं जब तक वो कम नहीं हो जाएगा वहां मेरा डिस्टर्बेंस रहेगा जी। पूरे देश को और यहाँ उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और बड़ा अच्छा लगा आज कांग्रेस की प्रवक्ता के मुंह से सुनकर प्रत्यक्षम किम प्रमाण अस्ति, क्योंकि भैया कर्नाटक का इन्होंने विषय उठाया, सरकार बनते ही इन्होंने वहां पर क्या घोषणा की कि गो हत्या प्रतिबंध हम हटाएंगे, और साथ में हिजाब वहां सभी के सभी शिक्षण संस्थानों में उसी टाइम से दोबारा से लागू कर दिया। ये हिमाचल प्रदेश में क्या कह के आए थे, हम महंगाई घटाएंगे, जब सरकार बनाई 3 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे
रेट बढ़ा दिए। और ये अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना ये नई बोतल में पुरानी शराब है प्रतीक जी, क्योंकि यही वचन पत्र इन्होंने 2000 जो पुराना चुनाव हुआ था 19 में या 20 में जब भी हुआ था तब भी यही कहा था जी। प्रतीक जी वो 15 लाख रुपए जो आने थे अकाउंट में वो आज तक आए नहीं, लेकिन हमने जो 500 रुपए डालूंगा और वहाँ से सोना निकालूंगा। अगर ये 15 लाख की बात करेंगे यहाँ से आलू निकालूंगा वहाँ से सोना डालूंगा। आप वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, इकट्ठे हो गए। मैं नहीं नहीं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे आप सामने दिख रहा है। नहीं नहीं एक मिनट, एक तिवारी जी लास्ट, दिस विल बी द लास्ट। आप 15 लाख रुपए आज तक किसी जनता नहीं, अरे बीच में इंटरप्ट नहीं करे वो जब बोले। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, 15 लाख रुपए आज तक किसी के अकाउंट में आए हो तो बताइए आए क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए। लेकिन हमने 500 रुपए का सिलेंडर किया कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में करेंगे। क्या आपको 30 रुपए का पेट्रोल मिला क्या किसी को? नहीं मिला। हाँ आप बोलो। देखिए प्रतीक जी अभी ये चिल्ला रही है कि 15 लाख रुपए आए क्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ से आलू डालूंगा वहाँ से सोना निकालूंगा वाली मशीन इन्होंने कर्नाटक में लगाई क्या? इन्होंने बिजली के बिल माफ करने की बात देखो मैं ऋतु ऋतु दे दूंगा ऋतु दे दूंगा ये आलू से सोना। प्रतीक जी एक बात है, आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता का पूरा प्रयान दे रहे हैं। सुनो 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 मेरी बात सुनो, ये घमंडिया ये देखिए ये मुझसे भिड़ रहे। अरे अपना महल देखो भाई, चोरी से खंडा किया महल देखो अपना, सामने महल देखो अपना, ध्यान दे रहे हो? ले लूंगा बेटा, उदय प्रताप कॉलेज को मुझे मालूम अच्छी तरह से, मुझे मालूम है लूंगा बेटा लूंगा। एक बात ऋतु मैं सिर्फ आपको इस वजह से कह रहा हूँ और बहुत बहुत स्ट्रिक्टली भी इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आपने 15 लाख बोले और उन्होंने आलू वाली बात बोली, दोनों बराबर हो गई थी। लेकिन सुनिए मेरी बात, दोनों बात सुनिए आराम से सुनिए, लेकिन आपको सिर्फ 5 सेकंड चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा मत करा करिए जिससे कि मैं इस बात के लिए हूँ कि आपको ज्यादा दूँ या उनको कम दूँ, कोई बात सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा जी। सर मुझे सिर्फ इतना इनसे जानना है कि एक झूठ की चक्की कितनी बार चलेगी, कि जो है आलू से सोना मोदी जी ने निकाला था, राहुल जी ने नहीं निकाला था। ठीक है हो गया डन जी, आम आदमी पार्टी मैं आ रहा हूँ। प्रतीक भाई मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि वहां पे जनता समझ रही है, जनता पिछली बार भी समझ गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता उनको नकार देती है, फत्ताविहीन कर देती है, चोर दरवाजे से विधायक खरीद करके अपने एजेंसी। गजब है जनता बहुत, मैं आया आम आदमी पार्टी में आ रहा हूँ, जनता बड़ी बेचैन है उसको बोलने का। हाँ जी भाई मैं आ गया जी। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? मेरा गुड़गांव से जी। गुड़गांव से? ये हाथ में क्या है ये? ये सर मैं दांतों का इलाज कराने आया था। दांतों का इलाज हो गया? रुको भाई, अरे रुको बाबू तुम तो क्या जी? दांतों का इलाज कराने आया था यहाँ। दांतों का इलाज हो गया? हाँ, हो गया। बड़ी गार्ड साहब को पकड़ लो, गार्ड साहब इसको पकड़ लो और बाबू जी दे दो, वहां ना रख देना कोई लेके चला जाएगा, पता चला जी। वन बाई वन। हाँ जी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने आराम से बाबू, अरे जी इन्होंने कहा, उधर ध्यान मत दो, उधर मत दो। हाँ जी इन्होंने कहा, आप बताइए राजस्थान में कोई पॉजिटिव खबर आई हो? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, मध्य प्रदेश क्या देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया भाई? ऐसे नहीं आराम से बिल्कुल नहीं। आपको भाई साहब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप जी जी हाँ
देखिए बहन कह रही थी कि कर्नाटक में ऐसा हुआ, कर्नाटक का नाटक आप देखिए, कर्नाटक में सरकार बनने के बाद वहां के डिप्टी सीएम ने आकर के कहा कि हमारे पास विकास के लिए फंड ही नहीं है और ना ही कोई विकास के काम अगले 2-3 साल हो सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी योजनाएं बना दी है उसके लिए सारे फंड खत्म, यहाँ के हमको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। तो कांग्रेस को सर कितने साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस करप्शन का पर्याय जब बन चुकी, कांग्रेस को लोगों ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी को जब से स्वीकार किया है तब से मध्य प्रदेश में समृद्धि की नई बात लिखी। राइट, नहीं नहीं, वन बाय वन जी, ये कह रहे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली से जा रहे कहां खोए हैं। अब बात कर्नाटक की कर रहे, ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पे क्या कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी का जो पैसा आ रहा है राज्य सरकार को नहीं दे रहे, 6-6 महीना पैसा नहीं जा रहा है। सारा देश चाहते हैं कि राज्य सरकार कंगाल हो जाए और राज्य सरकार के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। इतनी बेईमानी कर रही है लोग कि आप जनता जहां बीजेपी नहीं है पूरे देश के अंदर जहां जहां बीजेपी है कोई बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, और जहां जहां बीजेपी नहीं है सब जगह 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली माफ है। उत्तर प्रदेश राइट 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 आराध आराध ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मैंने सुना जी सर, मैं सबसे पहले यह बयान ये राजनीतिक विश्लेषण बता दूं कि करहल से भी बघेल साहब गए थे, 3 दिनों तक प्रभाव ये हुआ कि 3 दिनों तक पूरी समाजवादी पार्टी और परिवार करहल में सिमट गया, बीजेपी को फायदा हो गया। ये रणनीति कर ये लोग कहते हैं 33% महिला को आरक्षण देंगे, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने 13% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया इस बार दोनों ही पार्टियों ने। और जहां तक बात करते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे सोना दे देंगे, अरे भैया उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी स्कूटी देने गई थी, लोग कह रहे थे महिलाएं कह रही थी हम चैन से सो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो जाए, इसलिए योगी जी को वोट की आपके, ना तो स्कूटी पे वोट की ना लैपटॉप के वोट की जी। आम आदमी पार्टी प्रतीक भाई अभी ये हमारे बोले थे राजमहल राजमहल, हम स्वागत करते हैं कि अगर हमने कोई गलती किया, मैं भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार से अगर इनको समस्या होती तो आज इतने सारे लंबी फेरिफ्त है, सब इनके पार्टी मन के बड़ी बड़ी मंत्रालय ले लिए, आप हमारी जांच कराइए, लेकिन एक जांच अडानी का भी करा लीजिए, एक जांच फोने की फड़क की भी करा लीजिए, एक जांच घोटाले करा लीजिए, एक जांच भारत माला प्रोजेक्ट करा लीजिए। इतना बड़ा घोटाला आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, उसकी जांच नहीं करा रहे, जहां जहां पे विपक्ष की सरकार है आप अपनी सारी एजेंसियां लगाकर ईडी सीबीआई लगा करके वहां की सरकार को बरखास्त। क्या बात है, ऊपर से अच्छा दिखता होगा वहां से, बढ़िया बढ़िया है, लगे रहो वहीं पे, लगे रहो, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ गिव मी अ चांस, चुपचाप खड़े रहिए वहीं पे, जहां खड़े हैं वहीं नो चुपचाप, पहले खड़ा होना सीखिए फिर उसके बाद आऊंगा जी। नवल, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप पहले अपनी बार बताइए, 420 फ्रॉड झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं, यही सब करके दिल्ली की जनता को देश की जनता को बरगला करके आपने दिल्ली की सत्ता ले ली और दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया आज आपने। पहले आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बसों को दिल्ली में पानी कब दोगे, दिल्ली में आए दिन गाड़ी अथॉरिटी में पास करने जाओ तब भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके नेता भ्रष्टाचार में जमानत पर नहीं आ रहे हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हो आप बीजेपी के ऊपर दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भ्रष्टाचारी है संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि एक एक भ्रष्टाचारी को कहां से आना हुआ गुरु जी, भाई एक मिनट कहां से आना हुआ गुरु जी, दिल्ली रोहिणी से, दिल्ली रोहिणी से, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं छोटा यादव जी कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा जी क्या काम करते हैं साहब? सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते हैं। सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते हैं, मेडिकल में सप्लाई, मेडिकल, हाँ मैं समझ गया, मेडिकल सर्जिकल आइटम्स का सप्लाई करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा। बाबू जी आप कहाँ से आया हुआ? मैं केरला से आया। केरला से आए, आपका स्वागत करते हैं। और कैसे है, मतलब ये प्रोग्राम देखने के लिए आ गए या खड़े हो गए? बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, केरला से आए हैं, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और केरला आना होगा, केरला आना होगा मेरा, आई विल कम ओवर देयर, जा जरूर आएंगे, मैं जरूर आना होगा, इलेक्शंस में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जरूर आना होगा। बातचीत के सिलसिले को इधर किसी ने हाथ उठाया था मुझे, जी मैं आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ साहब? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ। अरे अभी तो प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। अरे
गए थे, हाँ। आपसे शिकायत भी है। अरे हमसे? बिल्कुल। अच्छा बोलिए, मेरे से आजकल लोगों को बड़ी शिकायत रहने लगी। वो आपने शेर नहीं सुनाया, वो जो कोई शेर सुनाने वाले थे, शेर सुना दीजिए और फिर मैं शिकायत वाले के पास आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ शिकायत वाले के पास। शेर तो सुना देंगे, लेकिन शेर के बाद जो भ्रष्टाचार या प्रत्याशियों की बात हो रही वो भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ पहले शेर सुनाइए, देखिएगा एक शेर में कितना दम है और उसके बाद आगे बात करेंगे। मेरा शेर नहीं है। हाँ तो कोई, आजकल तो सभी चोरी के पढ़ रहे हैं, कौन अपना 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 कौन पढ़ पा रहा है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान, रुकिए मैं शेर में वजन डाल दूं। मैं अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शेर तो दमदार है और बात कहने का पूरा हक है इशरत भाई को, और पूरा कहेंगे मैं आया इशरत भाई, जाऊंगा नहीं, शो अभी बहुत समय बाकी है। जी कहां से आना हुआ? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अरे सुल्तानपुर से छलांग लगाओ, पहुंच जाओ, बाबू ज्यादा दूर नहीं है। जी बोलिए, पिथौरागढ़ कहाँ गए? हाँ आ रहा हूँ जी। देखिए सर, हम यहाँ देख रहे हैं, हाँ। सारे लोग जो है मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ। और हम ये जनता से पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। कि जो गरीबों का वास्तविक जो है हित हो रहा है, हाँ। किससे हित हो रहा है जी? उनकी मूलभूत जरूरत क्या है? शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, हाँ। क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी दे रही पूरे भारत के देश की जनता को? कतई नहीं मिल रहा है। सिर्फ जुमला बता करके लोगों को ठग रहे भारतीय जनता। काहे परेशानी क्यों होने लगती है? पूरी बातें सुना करो, ध्यान से सुना करो, तब मैं आया पहले शिकायत सुनूंगा, उसके बाद कहीं आऊंगा। जी तुम भी पिथौरागढ़ से हो? तुम भी पिथौरागढ़ से हो? हाँ मैं तो समझ गया पिथौरागढ़ से। चलो शिकायत सुनाओ अपनी। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। तो राजीव जी को प्रतीक जी से नाराजगी है, चलो बोलो। नाराजगी है, इतना बड़ा चैनल आपका, आज 23 साल हो गए पिथौरागढ़ को बने हुए। सुदूर ग्रामीणों के जो सड़कें हैं, जो यूपी संयुक्त था तब से खुदी हुई है, उस पर अभी तक गिट्टी तक नहीं पड़ी है। लोग जो है कैसे कैसे रस्सियों से पार करते हैं। जो सीमांचल एरिया है आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करिए, वहाँ पे उठाइए मुद्दे को। बार बार कांग्रेस और भाजपा रिपीट हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे पिथौरागढ़ आइए और कम से कम वहाँ के मुद्दा को। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं, जब तक वो गिरा नहीं देंगे 2-4 तंबू और जब तक वहाँ पे 2-4 चीजें समेट नहीं जाएंगी तब तक वो मानेंगे नहीं। ये बात नहीं, अभी कोई बात नहीं होगी सिवाय पिथौरागढ़ के अलावा, कोई बात नहीं होगी। धारचूला मैंने शो किया है जी, धारचूला मैंने शो किया है, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पिथौरागढ़ तक नहीं गया लेकिन धारचूला गया हूँ। पिछली बार पिथौरागढ़ जाना था मुझे, आपके चुनाव में नहीं जा पाया। लेकिन ये बात सच है कि अगर सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर आदमी कोई आता है और कहता मुझे आपसे शिकायत है, तो हो सकता है वो कह तो मुझे ही रहा हो आपसे शिकायत है, लेकिन सच ये है कि कहाँ शिकायत है, ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं पिथौरागढ़ के तमाम सारे लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, भैया जो आप भी मौजूद हैं, मैं पिथौरागढ़ में कहाँ पे, कौन सा गांव है आपका? गांव मेरा धारचूला तहसील में ही है। अच्छा। और वहाँ के सीमांत एरिया जो नेपाल और चाइना से लगे हुए हैं उसकी स्थिति को देख लीजिए। एक बस मैं जब धारचूला में शो कर रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई आपका वो जो सिम कार्ड है वो भारत का नहीं, क्योंकि टावर वो है नेपाल वाला पकड़ लेता है। और मुझे मालूम है समस्या, ऐसा नहीं है कि मुझे समस्याओं का अवगत नहीं, क्योंकि मैंने धारचूला में शो किया है इसलिए मुझे अच्छी तरह से, अब मैं आ जाऊंगा इधर बड़े आराम से, क्योंकि मुझे मालूम रहता है, मुझे पता रहता है कि कहाँ पे कब कैसे आना है। वैसे मुझे लगता है कि छोटा सा एक, अभी थोड़ा सा एक मिनट बाकी है। जी बोलिए, क्या हुआ आपको? मोदी जी ने आरक्षण के बिल पर पास। अरे रुको मोदी जी, रुको आराम जी। प्रतीक जी, यहाँ पर भाजपा के घोषित और अघोषित मिला के 7 प्रवक्ता है इस वक्त, 7ों में से एक मुझे ये बता दे कि 19 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, उसके बाद जो है गर्भवती स्त्रियां जो है अस्पताल तक लाते लाते दम तोड़ देती हैं, वहां पे स्कूल जाने का रास्ता नहीं है 19 साल में। बोले दीजिए, मैं आपको, धनंजय आपकी बारी है। 19 साल में ये सड़कों का निर्माण नहीं कर पाए और आप जाते जाते जब आचार संहिता लग गई
उसके एक घंटे पहले तक घोषणाएं कर रहे हैं। राइट धनंजय, नहीं नहीं फिर मैं वन बाय वन, मुझे मालूम है, देखिए वो 19 साल नहीं कर पाए, सड़कें नहीं बना पाए 19 साल में, और आप 70 साल में ये नहीं कर पाई तो मैं भी नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन लेकिन मैं 17 साल में ये जानता हूं कि पब्लिक के बीच में डिबेट कैसे करते हैं, मैं 17 साल में डिबेट करना जरूर जानता हूं। तो प्लीज प्लीज बैलेंस योरसेल्फ, बैलेंस योरसेल्फ मैम, बैलेंस योरसेल्फ, बैलेंस योरसेल्फ जी। प्रत्येक जी ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, कांग्रेस ने जब छोड़ा तब 44,000 किलोमीटर सड़क था, आज 4,10,000 किलोमीटर है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस का करप्शन और कांग्रेस का झूठ है, प्लीज प्लीज स्पीक आउट होता ऋतु, ये तो ऐसा नहीं होता ऋतु, ऋतु ऐसा नहीं होती डिबेट। वक्त छोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भारी इस जंग में इसराइल को अमेरिका सैन्य और वित्तीय मदद पहुंचा रहा है, तो इसराइल के साथ संबंध रखने वाले बाकी देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसराइल में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद सुपर पावर ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिकों के हत्यारों को इस जमीन पर रहने नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद को इसराइल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, हमास का वजूद मिटा दिया जाएगा। President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. Biden ka aise waqt mein Israel jana khatre se khali nahi hai jab Hamas ke hamlon ke baad Netanyahu aur Ameriki videsh mantri Antony Blinken tak ko bunker mein chhipna pada tha. इसलिए बाइडेन के साथ आ रहा है 2000 कमांडोज का वो कवच जो न सिर्फ बाइडेन और उनके अधिकारियों को सुरक्षा देगा बल्कि संकट काल में इसराइल के लोगों के लिए भी ढाल बनेगा, जो जंग के मैदान में रक्षक बनेगा, इमरजेंसी में स्वास्थ्य कर्मी बनेगा और जो विस्फोट की स्थिति में हालात को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। दो हजार कमांडोज की ये पलटन बाइडेन के साथ ही इसराइल में लैंड करेगी या फिर बाद में, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन कमांडोज को 24/7 तैयार रहने के आदेश जरूर मिल चुके हैं। बाइडेन के बुधवार को इसराइल पहुंचने की बात कही जा रही है। बाइडेन के पहुंचने से पहले ही इसराइल को तीनों तरफ से अमेरिकी नौसेना के उस ब्रह्मास्त्र ने कवर कर लिया है जिस पर हमास का न तो अटैक काम आएगा न ही कोई मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर पहुँच चुका है। अमेरिकी नेवी के बेड़े के मुताबिक यूएसएस कार्टर हॉल और यूएसएस बाटन युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है और अब यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया गया है। आइजनहावर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो पहले से ही इसराइल के पास मौजूद है। President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed two aircraft carrier groups and other military assets to the region. इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ आ गए हैं। एक ओर जहां हमास को ईरान समेत कई इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इसराइल के समर्थन में अमेरिका फ्रांस समेत कई बड़े देश हैं। बाइडेन भी अब इसराइल पहुंच रहे हैं और इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन को तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक बाइडेन इसराइल के जमीन पर हैं। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन जॉर्डन, फिर मिस्र और बाद में फिलिस्तीन के लिए रवाना होंगे। जंग खतरनाक होती चली जा रही है और सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब गाजा और पूरा इजरायल और फिलिस्तीन दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे असुरक्षित इलाका बना हुआ है, तो फिर ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव जाने की जोखिम क्यों उठा रहे हैं?
अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बाइडेन के इतने जोखिम भरे दौरे के लिए राजी क्यों हुई है, और सवाल का जवाब देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा पर फाइनल अटैक में देरी क्यों? नेतन्याहू को हमले से किसने रोका? जमीनी अटैक पर बाइडेन ने लगाया ब्रेक। इसराइल और हमास की जंग के बीच में सुपर पावर अमेरिका ने तेल अवीब में खूंटा गाड़ रखा है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इसराइल पहुंचे हैं। वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इसराइल पहुंचे हैं, यानी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इसराइल और हमास में समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ब्लिंकन के कहने पर रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि आनन फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल अवीव पहुंचने का कार्यक्रम रख लिया। ब्लिंकन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो नेतन्याहू को रोकने के लिए जो बाइडेन को जंग के बीच में इसराइल पहुंचने की योजना बनानी पड़ी। अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाए गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालना। यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचने का फैसला किया। बाइडेन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहां पर हर रोज रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, जहां पर ब्लिंकन को भी बम शेल्टर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, जहां हमास की मिसाइल आसमान में लगातार पहुंच रही है, और मंगलवार को तो इसराइल की संसद से नेतन्याहू और येर लैपिड समेत सभी सांसदों को भागना पड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बड़ी खबर, जरूरी खबर, और इस वक्त पूरे देश की नजरें जिस खबर पर टिकी हुई हैं उससे शुरुआत करेंगे। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल आ रहे हैं। जो बाइडेन का दौरा ऐसे वक्त में है जब इसराइल पर हमास और हिजबुल्ला लगातार ही बेहद घातक और अचूक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन धमाकों की आवाज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कानों तक में गूंजी है, और उन्होंने जान बचाने के लिए बंकर का सहारा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले इसराइल को अमेरिकी सेना ने अवैध किले में तब्दील कर दिया। इस वक्त जब इसराइल में किसी भी दिशा से कोई भी मिसाइल दस्तक दे रही है, किसी भी हथियार की ताकत इसराइल के जवानों को टारगेट कर रही है, जब हमास की अचूक मिसाइलों के निशाने पर तेल अवीव है, जब हिजबुल्लाह के आतंकी इसराइल फतेह की कसम खानी है। ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल जाने का फैसला किया है।
और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेतन्याहू पहले भी इसराइल यात्रा के लिए बुला चुके हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन का प्लेन कभी भी इसराइल की जमीन पर लैंड कर सकता है। इसराइल हमास के बीच छिड़ी इस जंग में इसराइल को अमेरिका हमास के साथ युद्ध के बीच कल इसराइल पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। साथ खड़े रहने का जताया भरोसा। इसराइल के साथ ही पुतिन ने की ईरान, सीरिया और मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुखों से बात। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को बताया परिवार संचालित पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बताया पीएम पद का दावेदार। कहा खड़गे हो सकते हैं देश के पहले दलित पीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को दिया अवार्ड। वहीदा रहमान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित। भारतीय मदद पहुंचा रहा है तो इसराइल के साथ संबंध रखने वाले बाकी देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसराइल में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद सुपर पावर ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिकों के हथियारों को इस जमीन पर रहने नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद को इसराइल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। हमास का वजूद मिटा दिया जाएगा। President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists, and to prevent future attacks. बाइडेन के ऐसे वक्त में इजराइल जाना खतरे से खाली नहीं है, जब हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक को बंकर में छिपना पड़ा था। इसलिए बाइडेन के साथ आ रहा है 2000 कमांडोज का वो कवच, जो न सिर्फ बाइडेन और उनके अधिकारियों को सुरक्षा देगा, बल्कि संकट काल में इसराइल के लोगों के लिए भी ढाल बनेगा, जो जंग के मैदान में रक्षक बनेगा, इमरजेंसी में स्वास्थ्य कर्मी बनेगा और जो विस्फोट की स्थिति में हालात को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। दो हजार कमांडोज की ये पलटन बाइडेन के साथ ही इसराइल में लैंड करेगी या फिर बाद में, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन कमांडोज को 24/7 तैयार रहने के आदेश जरूर मिल चुके हैं। बाइडेन के बुधवार को इसराइल पहुंचने की बात कही जा रही है। बाइडेन के पहुंचने से पहले ही इसराइल को तीनों तरफ से अमेरिकी नौसेना के उस ब्रह्मास्त्र ने कवर कर लिया है, जिस पर हमास का न तो अटैक काम आएगा न ही कोई मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर पहुँच चुका है। अमेरिकी नेवी के बेड़े के मुताबिक यूएसएस कार्टर हॉल और यूएसएस बाटन युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है और अब यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया गया है। आइजनहावर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही इसराइल के पास मौजूद है। President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed two aircraft carrier groups and other military assets to the region. इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ आ गए हैं। एक ओर जहां हमास को ईरान समेत कई इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इसराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश हैं। बाइडेन भी अब इसराइल पहुंच रहे हैं और इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन को तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक बाइडेन इसराइल की जमीन पर है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन जॉर्डन, फिर मिस्र और बाद में फिलिस्तीन के लिए रवाना होंगे। G20
जंग खतरनाक होती चली जा रही है और सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब गाजा और पूरा इसराइल और फिलिस्तीन दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे असुरक्षित इलाका बना हुआ है, तो फिर ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव जाने की जोखिम क्यों उठा रहे हैं? अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बाइडेन के इतने जोखिम भरे दौरे के लिए राजी क्यों हुई है? और सवाल का जवाब देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा पर फाइनल अटैक में देरी क्यों? नेतन्याहू को हमले से किसने रोका? जमीनी अटैक पर बाइडेन ने लगाया ब्रेक। इसराइल और हमास की जंग के बीच में सुपर पावर अमेरिका ने तेल अवीब में खूंटा गाड़ रखा है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इसराइल पहुंचे हैं। वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इसराइल पहुंचे हैं, यानी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इसराइल और हमास में समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ब्लिंकन के कहने पर रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि आनंद फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल अवीव पहुंचने का कार्यक्रम रख लिया। ब्लिंकन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो नेतन्याहू को रोकने के लिए जो बाइडेन को जंग के बीच में इसराइल पहुंचने की योजना बनानी पड़ी। अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाए गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालना। यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचने का फैसला किया। बाइडेन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहां पर हर रोज रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, जहां पर ब्लिंकन को भी बम शेल्टर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, जहां हमास की मिसाइल आसमान में लगातार पहुंच रही है और मंगलवार को तो इसराइल की संसद से नेतन्याहू और येर लैपिड समेत सभी सांसदों को भागना पड़ा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बड़ी खबर, जरूरी खबर और इस वक्त पूरे देश की नजरें जिस खबर पर टिकी हुई है उससे शुरुआत करेंगे। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल आ रहे हैं। जो बाइडेन का दौरा ऐसे वक्त में है जब इसराइल पर हमास और हिजबुल्ला लगातार ही बेहद घातक और अचूक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन धमाकों की आवाज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कानों तक में गूंजी है और उन्होंने जान बचाने के लिए बंकर का सहारा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले इसराइल को अमेरिकी सेना ने अवैध किले में तब्दील कर दिया। शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो, सब साथ में गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़।
पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, भले लागे अति दूर कबीरा, भले लागे अति दूर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सच है कि दिल्ली से अच्छे लोग कहीं दुनिया में नहीं मिलते हैं, और ये भी सच है कि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, कभी कभी बोलता हूं, रोज नहीं बोलता। पीपल का पेड़ तो है, पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने अच्छे लोग, इतने सादे लोग कहीं नहीं मिलते। उधर पेड़ की तरफ ना देखिए, इधर ही देखिए, मेरी तरफ देखिए। पेड़ में तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा मेरे ही पास से। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोग हैं जो कहीं भी किसी भी जगह को, किसी भी फुटपाथ को जीवंत बनाते हैं। ये शहरी होता है, ये जो आम आदमी होता है, ये जो आम शख्स होता है, ये उसी की ताकत होती है। तुम तो ऊपर जा रहे हो धीरे धीरे। ये आम आदमी की ताकत है जो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी फुटपाथ को जीवंत बना देता है। मुझे बीजेपी वालों ने शिकायत करी और कहा कि आपने मुझे वक्त कम दिया। ये बात सच है कि उनको इस बार वक्त कम मिला, और शिकायत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कहे कि हमको वक्त कम मिला, रितु जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा संयम से, है ना, उनको पूरा वक्त मिलेगा। आप अपनी बात कहिए और डट कर कहिए, और रितु जी पूरा डट के जवाब दीजिएगा, है ना, चुनाव तो लड़ना है ना। आप मौका नहीं देते, यही तो सबको दिक्कत है कि आप मौका नहीं देते। अब कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? राजू महावर। राजू महावर, महावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उधर ओल्ड पेंशन वाले भी खड़े, मैंने कहा कि मैं मुद्दा उठाऊंगा, ओल्ड पेंशन का भी मुद्दा बात होगी। और कांग्रेस ने तो वादा किया मध्य प्रदेश की ओल्ड पेंशन, हाँ, कि वही देंगे। नमस्ते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलिए धनंजय जी, नाउ प्लीज प्लीज अपना प्लीज लिसन जी। धनंजय, कांग्रेस की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिना रही थी, सिर्फ गिनती में गलती कर गई। भारत की जनता ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। वो 56 करोड़ बैंक अकाउंट जिनके धन जन धन खाते खुले, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो 12 करोड़ जिनके किसान सम्मान निधि गई, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो 12 करोड़ जो टॉयलेट बने गरीबों के, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो 4 करोड़ जो इनके घर मिले, आवास मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो करोड़ों लोग जिनको आयुष्मान योजना मिली, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो बहन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की गिनती कांग्रेस नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, आप 44,000 किलोमीटर मात्र सड़क मध्य प्रदेश में थी, आज 4,10,000 किलोमीटर सड़क है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 3,56,00,000 मध्य प्रदेश में सिर्फ बैंक अकाउंट खुले गए हैं। 56 लाख बहनों को लाड़ी लक्ष्मी योजना से लाभ मिला है। कांग्रेस सिर्फ करप्शन की बात कर सकती है, कांग्रेस देश का विकास नहीं कर सकती है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। अब मैं, हाँ जी, मध्य प्रदेश से आए हैं, रीवा से। अब वो ले आए तो सफेद टाइगर यहीं पे, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा सा टाइम दे दे, उसके बाद आते हैं, बराबर रहना चाहिए। धनंजय जी ध्यान दीजिए जी, भाजपा प्रवक्ता का मेरे काबिल दोस्त है, उनका भाषण बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, ये बहुत अच्छा भाषण देते हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बड़े लुभावने भाषण। और दिक्कत ये है कि इनके भाषणों में आप जाती हैं फंस। नहीं, हम नहीं फंसते सर, जनता को फंसाया जाता है लुभावने वादे। जनता 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 ऐसे जुमले दिए जाते। स्वाति जी आ रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अच्छा, इन्हीं से पूछ लेते हैं, चलो वो 2 करोड़ नौकरी जो हर साल देने वाले थे उसका क्या हुआ? वो जो किसानों को जो है जो MSP फ्री करने वाले थे और किसानों की आय दुगनी करने वाले थे उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा सम्मान की बात लाल किले से जो मोदी जी करते थे उसका क्या हुआ? बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, रातों रात पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है, उसका क्या हुआ? अब बताइए, अभी तो आराम से, आराम से।
रितु रितु नाउ नाउ रितु नाउ यू आर टू एंड नाउ आराम से हाँ जी, कहाँ से आए हैं? बेंगलोर कर्नाटका से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, बहन, बेटियों को बलात्कार करके कोयले के भट्टी में डाल दिया जाता है, उसका क्या हुआ? उस बेटी को, उस टीचर को एम्बुलेंस में बलात्कार कर दिया जाता है, उसका क्या हुआ? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के किसान लाठी लेकर के राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा वहां पर, ये कहे कि 3,000 रुपए। बड़ा मुश्किल है, जैसे जैसे 24 नजदीक आएगी बड़ी दिक्कत है। भाई साहब कहाँ से आए? राजस्थान से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? रंजीत नाम है। रंजीत, मंजीत भाई, मंजीत भाई राजस्थान में कहाँ से? तिवारी जी खड़े रहो, नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। जयपुर से। क्या काम करते हैं आप? मैं का काम है मेरा खुद का। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का? तो बड़े आदमी हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम छोटा थोड़ी ना होता है। बड़ा आदमी हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? कंस्ट्रक्शन वाला आदमी छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। रुको, उतावलापन अच्छा नहीं होता किसी भी चीज का। मुझे आदमी का मूल्यांकन करने दिया करो 2 मिनट में। चलो बोलो सर। अभी पता तो है तुम कहाँ बोलोगे, लेकिन बोलो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। वहाँ पे जो अभी जोधपुर में कन्हैया का जो मर्डर हुआ, जो गला काटा गया, उन हत्यारों को मात्र 2 महीने में कांग्रेस सरकार ने जमानत दे दी। ये क्या मतलब हुआ ये बताइए मुझे। जितने करप्शन हो रहे हैं राजस्थान में हो रहे हैं, ठीक है। जितनी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है राजस्थान में हो रहा है, कांग्रेस सरकार करा रही है। आराम से। आपने राजस्थान से सवाल पूछा, जयपुर से। क्या नाम है आपका? मंजीत भाई। हाँ ठीक है, अब उधर मध्य प्रदेश से पूछूंगा। कहाँ से आना हुआ? आपने बोला कि सफेद पैर कहाँ? अरे रिमा, बाकी तो पिछड़े में बंद है। आराम से। छत्तीसगढ़ आप पूछ रहे हैं? 1 मिनट, आराम से, तसल्ली के साथ। सब आज का मुश्किल ये है ना। खड़े रहो, लखीमपुर खीरी खड़े रहो जी। मध्य प्रदेश। क्या नाम है? अभिषेक तिवारी नाम है, मैं लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर से आया हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है रीवा से आए हो जी। सर, अभी पहले उधर देखेंगे फिर बोलेंगे तुमसे। संयत होइए, आराम से खड़े होइए जी, बिल्कुल फिर नंबर आएगा। हाँ बोलो गुरुजी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है, अब गरीबों के हाथ में चावल की जगह पुलाव आ रहा है। साहब, मध्य प्रदेश तो गरीब रथ बन गया है, नाम के लिए गरीब, बाकी एसी। खूब वादे हो रहे हैं साहब, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, है किसानों के लिए सर। ना तो खादी मिल रही है और ना ही बीज मिल रहा है, और जो पैदा हो रहा है औने पौने दाम में जा रहा है। साहब, मध्य प्रदेश में ही पेशाब कांड हो रहा है। लगातार 15 साल से बीजेपी की सरकार है, उसी के आदमी उसी के कार्यकर्ता के ऊपर पेशाब कर रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। इधर राजस्थान का मिजाज था, उधर मध्य प्रदेश का मिजाज है, और आपको बीच में खड़े रहना। हाँ जी, बिहार खड़े रहो। छत्तीसगढ़ कहाँ गया? इधर आओ छत्तीसगढ़। लखीमपुर कहाँ? लखीमपुर खड़े रहो, लखीमपुर वैसे ही है। छत्तीसगढ़ सर। क्या काम करते हैं? मैं सर ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी? वो उधर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इधर ये काम करते हैं। नहीं नहीं, बीच बार फतेहपुर में आऊंगा मैं, आपसे शेर सुनूंगा, एक शेर और सुनूंगा आपसे जी। एक मिनट रुकिए, जब पूछूं कि कहां, कहना शुरू करिए तब जी। तो क्या काम करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूं। ठेकेदारी करते हैं कहां? दिल्ली में? नहीं सर, वो एमपी में, छत्तीसगढ़ में। तो ठीक ही ठाक काम चल रहा होगा आपका? तो काम तो ठीक चल रहा है सर, जब से मोदी जी आए सब चीज सही चल रहा है सर। लेबर का रेट सही मिल रहा है, बोनस मिल जा रहा है, लीव मिल रहा है। पहले नहीं देते थे, लोग खा जाते थे, अभी सब कुछ मिल रहा है सर। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद सब लेबर को पेमेंट सही जा रहा है, पूरा सही, चकाचक है, पूरा चकाचक। और छत्तीसगढ़ में गोबर का सर दलाली हुआ है, छत्तीसगढ़ में गोबर दलाली सबसे अधिक हुआ है। 263 करोड़ का गोबर खरीदा गया, ठीक है, 263 करोड़ का गोबर खरीदा गया और 17 करोड़ को बिक्री किया। बाकी गोबर कहाँ गया पता नहीं, बाकी गोबर कहाँ गया पता नहीं। तो छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश। आप कहाँ से हैं?
महाराष्ट्र से खड़े रहो अभी, वैसे ही अभी नंबर नहीं आएगा महाराष्ट्र का। जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, ब्रेक पे जाने से पहले मेरे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है ना वो, अरे कहाँ है आप, रुको रुको, अरे कहाँ रह गए आप, मैं तो यही हूँ, रुको, इनको बोलने नहीं दिया हमने। भारत माता की, काश कांग्रेस 70 साल पहले ये योजना ले आती तो मेरा परिवार गरीब नहीं होता, मेरा समाज गरीब नहीं होता। आज योजनाएं जो लाई है, आज जो कुर्ता पहन के देख रहे हैं एकदम इतना करारा है कि निकाल के मार दिए गला निकल जाएगा इतना। अब ये कुर्ता भी नहीं पहन सकते, कुर्ता भी नहीं पहन सकते। अगर ये घोषणा है राहुल जी, आपके नाना जी, आपकी दादी जी, आपके पिताजी 70 साल पहले कर गए होते तो मेरा देश विश्व गुरु बन गया होता। आपने मलाई खाई है और सत्ता भोगी आपने। नहीं नहीं, भीड़ नहीं लगाएंगे भाई, नहीं नहीं तो भीड़ नहीं लगाएंगे। लो एवरीबॉडी विल सिट ओवर देयर, नो डिसिप्लिन, कोई नहीं तोड़ेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। प्लीज रितु बैठिए, रितु बैठिए, प्लीज धनंजय जी आइए बैठिए, प्लीज नो, कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा, मेरी डिबेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहां बैठिए रितु जी, बैठिए प्लीज, स्वाति खड़ी रहिए जी। आपने किसानों को क्या दिया, आपने गरीब को क्या दिया, आपने मजबूत मजदूरों को क्या दिया, आपने उद्योगपति क्या दिया, आपने केवल नाम कमाया और परवाद बात चलाया और केवल केवल सत्ता भोगते रहे, चाहे वो मैं जब बोलूं तब उठिएगा, बिल्कुल भाई बैठ जाइए चुंबक की तरह। हाँ जी, हाँ। राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, हम गरीबों का जो जनता भी जानती है, आज जो जनता। फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी अब आइए, अब आइए यहाँ, अब बोलिए। कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता साथी कि 4 करोड़ मकान भाजपाइयों को दिया, वो सब भाजपाई है, यही कभी भाई क्यों उठने लगते हो, बैठो ना रितु, बैठो प्लीज। धनंजय नहीं, प्लीज धनंजय प्लीज, आप बैठिए वहां पे प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब दिखने, चेहरा दिखने से क्या मतलब, बैठिए ना उसमें, बैठिए जी धनंजय प्लीज, धनंजय बैठो प्लीज, प्लीज धनंजय जी। 4 करोड़ घर दिए सब भाजपाई, जितना सड़क बनाए सब भाजपाई। अरे भैया भारत सरकार ने दिया कि आपने दिया, ये बीजेपी की सेना है, बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी का देश है। ये झूठ बोल रहे हैं कौन, ये झूठ बोल रहे हैं कौन, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं 3 बार पूछता हूँ कौन, अफजल भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं। अभी जो विश्वकर्मा योजना आई है वो सब गरीबों के लिए, ना जाति देखी, ना पंथ देखा, ना मजहब देखा, ये देखो, ये देखो योजना का नाम है फजल भाई, उसमें योजना देखो, चाहे वो विश्वकर्मा पता तो होगा ही कौन है, लोहार होते हैं, लोहार नहीं होते, विश्वकर्मा जो है इंजीनियर। भाई साहब अगर इन्हें पता होता तो 70 साल पहले कर चुके होते। अब ये जो घोषणा कर रहे हैं, ये जनता गुमराह कर रहे हैं। अब जनता को समझ गई है और ये धनसान जान दिया है कि हमारा मसीहा एक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और तीसरी बार जी ठीक है, रुकिए रुकिए, नहीं जवाब नहीं देना, हर चीज का जवाब नहीं देना। नमस्ते, मैं आ रहा हूँ। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद। गाजियाबाद से तो ऐसे इधर कैसे आ गए आज आप, घूमते घूमते घूमने तो तमाशा हो रहा था तो रुक गए? नहीं नहीं, तमाशा नहीं, डिबेट चल रही है। डिबेट चल रही है तो आपको भी तो कुछ डिबेट में अपना पॉइंट रखना होगा, कोई बात तो होगी। जो आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रेवल लाइन से हूँ। ट्रेवल लाइन से तो दुनिया में देश में घूमना, कोई तो पॉइंट होगा जिसको लगता होगा कि कहना चाहिए यार पॉलिटिकल लाइन में ये बात बनती है, इसको कहा जा सकता है, तो कोई तो बात होगी। बात कुछ नहीं है, मोदी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, मोदी जी सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं आता हूँ, स्वाति जी ने आज बिल्कुल नहीं बोला, बड़े धैर्य के साथ खड़ी रही जी। स्वाति जी बोलिए। जानते हैं सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जब कोई महिलाओं के मुद्दे पर अपने स्टेट्स को डिवाइड कर देता है।